टू चिंग चिंग हाँ। पक्का चाइना से ही है हाँ, चाइना से हूँ आप वहाँ दिखाते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है ये तो एक गलत बहमिया है आप एक बार में बताइए सोमवार मंगलवार बुधवार सारा चाइनीज में सिंची ई सिंची आठ सिंची सात सिंची सिंची सा, ओ सिंची लो सिंची तीन सारा तो एक ही है ये सब तो पड़ा पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता कई पके पेड़ को पकड़े पिंगू पिंगू पकड़े पका पपीता खान चाइना में बहुत पॉपुलर है हाँ शाहरुख खान चाइना में बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा प्रशंसक हैं आपकी शादी हो गई वो ज़ान रिपीट अच्छा अच्छा नाम है अच्छा नाम काफी अच्छा नाम की एक सीमा हैदर है वो है। <laughs> <laughs> हमारे यहाँ आ गई है तो क्या वैसी कोई संभावना है आप भी यहाँ आ जाती पर होएगी तो सवाल <laughs> का तू कैसे राता ओ सावड़े चिया नहीं जाता सुम्बावड़े के डाता लम्बे आ लम्बे आड़े कते देरे संगया संगया रे के डाता लम्बे आ लम्बे आड़े कते देरे संगया संगया रे <laughs> कमाल है कमाल है कमाल है अद्भुत जबरदस्त हम एक साथ वीडियो चला अच्छा, सकते हैं कोलैबोरेशन की बात हो रही है हाँ। हमारे साथ न्यूज रूम में बहुत ही खास मेहमान हैं इनका मेरा मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा और आपका असली नाम क्या है चू चिंग चिंग रिपीट चू चिंग चिंग हाँ, अच्छा 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 सही है सही क्या मतलब इस नाम का चिंग चिंग का मतलब हीरा की जैसा चमक चमक हीरा की जैसा चमक चमक हीरा के जैसा चमक। हाँ। तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हमारे साथ न्यूज रूम में एगोस्टैलनी आए हुए थे जो नाइजीरिया के थे बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे तो अब हमारे पास चीन की मीरा आई हुई है जिनका नाम अभी कुछ इन्होंने बताया था लेकिन मैं भूल जाऊंगा वो नाम <laughs> च, हीरे के जैसी चमक वाली हाँ, एक लड़की है जो चाइना से है और इंडिया आई है और हमारे न्यूज रूम में भी आ गई हैं तो आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती Um, इससे पहले मैंने चाइना में चार साल हिंदी सीखी थी विश्वविद्यालय में कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना और फिर मैं चाइना मीडिया ग्रुप के हिंदी सेवा में काम करती हूँ अभी भी और uh, मैं अपनी हिंदी सुधारने के लिए मैं uh, वर्ष दो तो हज़ार सोलह से 17 तक मैं भारत वापस आ गई हिंदी सीखने के लिए यहाँ चेन्यू में एक साल के लिए हिंदी सीखी थी hmm. और uh, फिल्म मैन अपने सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं और हिंदी में कार्यक्रम बना रही हूँ हाँ। तो आपने क्या हिंदी की ऑडियंस पकड़ ली मतलब आपका हाँ। इस... हिंदी हिंदी ऑडियंस हिंदी ऑडियंस हाँ, हिंदी चाइना में तो ऑब्वियसली इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमसे भी ज्यादा पॉपुलेशन हाँ। तो हिंदी इसे खास लगाओ क्यों हाँ इससे पहले तो कोई कोई रीज़न तो नहीं है कोई कारण तो नहीं है क्योंकि कुछ, कुछ ऐसा अच्छा लगा होगा कि ये भाषा अच्छी है लोग हाँ हिंदी सीखने से पहले तो मुझे पता नहीं ये क्या भाषा है हाँ। सिर्फ सोच रही हूँगी शायद ये भाषा बहुत कम लोग सीख सीख रहे हैं तो शायद मैं आसानी से नौकरी मिल सकती हूँ क्योंकि ये कंपिटी शायद कम है कम्पटिशन या बहुत ज़्यादा है हाँ, हाँ लेकिन सीखने के बाद तो अच्छा लगता है क्योंकि हिंदी सीखने के बाद मैं अच्छी तरह से भारतीय संस्कृति समझ सकती हूँ और उसी हिंदी सीखने के बाद तो मैं भारतीय पूरा एकदम भारतीय पर हाँ, हाँ हाँ तो मुझे बहुत पसंद है अच्छा लगता है इसलिए तो मैं अभी भी सीख रही हूँ जैसे हमारे घर में मम्मी हैं या फिर तो ये पहले से साड़ी पहनती हैं तो बाकी जो बच्चे होते हैं हाँ, उनको सिखाना पड़ता हाँ, पड़ा हाँ, हाँ। तो आपने कहीं से सीखा या फिर यूट्यूब हाँ यूट्यूब यूट्यूब से सब कुछ मिल सकते हैं यूट्यूब पे हाँ तो ये साड़ी कैसे पहनते हैं तो खुद सीख सकते हैं तो भी आप इंडिया में रहती हैं चाइना में अभी तो चाइना में रहती हूँ अच्छा। तो इंडिया कब कब आती हैं 31 तारीख को अगस्त 31 तारीख को यहाँ हम वापस आ गई क्योंकि पिछली बार दो मैं वर्ष दो तो हज़ार में यहाँ आ गई हैं। अभी चार साल के बाद मैं फिर वापस आ गई बहुत अच्छा लगता है आप पक्का चाइना से ही हैं हाँ हाँ, हाँ चाइना से हूँ वरना मणिपुर मनीपूर से मणिपुरी <laughs> हाँ क्योंकि जब मैं भारत में रहती थी जो हाँ हाँ शायद आप मालूम है हर 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 किसी जगह में अगर आप तो टिकट लेना चाहते हैं तो भारतीय लोग तो सस्ता वाला ठीक मिल सकते हैं लेकिन विदेशी लोग तो महंगा वाला टिकट मिलते हैं इसलिए तो मैं हमेशा टिकट ऑफिस से कहते हैं कि मैं मणिपुरी हूँ <laughs> लेकिन वे तो मुझसे पूछते हैं हाँ तो मणिपुरी के मुख्यमंत्री कौन है लेकिन तुम तो मैं कैसे बता सकती हूँ <laughs> तो फिर विदेशी वाला टिकट <laughs> वाला टिकट अच्छा जरा तो हम थोड़ा सा और चेक करना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो हमको थोड़ा बता दीजिए जो दिन होते हैं ना सोमवार मंगलवार बुधवार इसको शुक्रवार शनिवार रविवार इसको चाइनीज में कैसे बोलते ई सोमवार हाँ शिशी ई ये तो हिंदी की तुलना में सरल है क्योंकि

लेकिन हिंदी में एक से एक से सौ तक सब अलग 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 हैं लेकिन में तो और गिनतियां कैसे है? एक, दो, तीन, चार, कैसे हैं पे ई आर रिपीट अरे, ये से इतना जल्दी हो पाएगा अच्छा हमारे न्यूज रूम में बहुत ढेर सारे साथी हैं तो हम सबके पास बारी बारी से जाएंगे और उनके भी सवाल होंगे तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे ये यह हमारे साथी कुलदीप है और इनका इनका कुछ सवाल होगा जरूर मुझे मतलब ये जानना है कि आपने हिंदी पढ़ी तो हिंदी के कोई कोई मुहावरा याद हुआ क्या आपको मुहावरा इडियम्स फ्रेजेस जो होते हैं इडियम्स कोई याद हुआ हिंदी का कोई इतनी अच्छी नहीं है अरे आपकी बहुत पर्याप्त अच्छी है अच्छा <laughs> म्यूज़िक बता दीजिए मतलब आप बॉलीवुड बॉलीवुड का कौन सा म्यूज़िक कौन सा गाना आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं तो रात लंबिया मुझे पसंद है इससे पहले कुछ फिल्म के थीम सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा बॉलीवुड फिल्म भी लोकप्रिय है जैसे सुपरस्टार दंगल बजरंगी भाईजान फैतमैम बहुत ज़्यादा माइनमि खान व्यारे बहुत ज़्यादा भारतीय फिल्म तो चाइना के सिनेमा में भी चट्टी थी और पक्स ऑफिस भी बहुत अच्छा है तो भारत की तुलना में भी और अच्छी है यह बॉक्स ऑफिस इसलिए तो इन फिल्मों में ये बॉलीवुड म्यूजिक तो मैं अक्सर सुनती हूँ तो सुनती हैं या गा भी लेती है तेरी मेरी ना होगी मशहू करना कभी तू मुझे नजरों से तू कित चलिय तू कित तू कित चली जानद है जानती है जानता है तू तेरे बिना मेरा न मेरे बिना तू कित चली तू कित चली है तू कित चली तू, 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 तू कैसे राता, ओ सावड़े बचिया नहीं जाता सुम बावड़े के डाता लम्बे आ लम्बे कते देने संगया संगया रे के डाता लम्बे आ लम्बे कते देने संगया संगया कमाल है कमाल है कमाल है अद्भुत जबरदस्त मणिपुरी मणिपुरी नहीं नहीं मैं ये पूछना चाह रहा था कि वहाँ हिंदी के साथ म्यूजिक भी सिखाते हैं क्या चाइना में <laughs> इतना शानदार गाया आप क्योंकि मुझे तो बॉलीवुड फिल्म पसंद है और बॉलीवुड गाना भी पसंद है इसलिए मैं अक्सर सुनती हूँ इसलिए तो गा सकती हूँ अच्छा संदीप जी हमारे ये बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं जब आप गाना गा रहे थे सबसे ज्यादा यही मुस्कुरा रहे थे <laughs> <laughs> क्या सवाल है क्यू? क्यू? <laughs> इनका सकते हैं आप अच्छे गाते हैं या मैं। आपकी आवाज अच्छा आप क्या होता है ना पहली बार आप किसी दूसरे देश के नागरिक को हिंदी बोलते सुनते तो आप सरप्राइज होते हैं लेकिन जब वो गाना गा देता है तो आप बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं तो बहुत अच्छा था वही वो, वो इसीलिए बहुत ज्यादा मुस्करा रहा था और कोई वजह नहीं थी मुझे कुछ नहीं जानना है तो चीन की मीरा जो है ये बताइए कि आपने मतलब मीरा नाम क्यों चुना हाँ। और भी तो बहुत सारे नाम हैं इंडिया हाँ के। हाँ हा। क्योंकि न, मीरा एक प्रेम प्रसार करने वाली लड़की है हाँ, है ना प्रेम प्रसार का प्रतीक है, है ना और मैं सोचती हूं क्योंकि मैं सोचती क्योंकि भारतीय संस्कृति से इतना प्यार करती हूँ मैं भी ये, ये प्रेम प्रसार करना चाहती हूँ इसलिए मैं अपने का मीरा यह नाम रखा आपको मतलब पता है पर्याप्त जानकारी हाँ। है हिंदुस्तान के बारे में सोनल हमारी जाती है सोनल कोई सवाल आपका सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपको साड़ी पहनना किसने सिखाया मतलब आपने कैसे बताया तो यूट्यूब से अच्छा तब उस वक्त मैं नहीं थी तो कंफर्टेबल लगता है आपको कंफर्टेबल लगता है इवन इवन uh, मैं चाइना में रहती हूँ मैं भी अक्सर साड़ी और सलवार सूट पहनती हूँ चाइना में और जीनी लोगों भी ऐसा लगता है कि मैं फॉरेनर हूँ <laughs> वहाँ भी ऐसा अच्छा, अच्छा है क्योंकि अगर मैं अपने दोस्त या मेरे घर हम मैच रूम में अगर हम प्राइवेट बातचीत करना चाहते हैं तो हम हिंदी में बातचीत कर सकते हैं <laughs> न, 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 लोग समझ नहीं सकते तो देखो वो लड़का बहुत सुंदर दिख रही हूँ <laughs>

सवाल है आपको कौन से एक्टर या एक्ट्रेस पसंद है रोशन, <laughs> <रिटिक> रोशन, <laughs> से? आ, तो... आ, है। अच्छा? हाँ, प्रशंसक है मुझे तो शाहरुख अभी नहीं जवान तो आज रिलीज हुई है, है ना आपको पता है हाँ आज रिलीज हुई है लेकिन अभी तो देखने के मौका नहीं मिला आप कब तक है इंडिया में कल कल रात को वापस चले वापस चाइना चाइना हाँ 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 कल तो फिल्म वहाँ पे तो लगेगी बाद में थोड़ी देर बाद आ जाएगी हाँ जरूर 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 अच्छा ये बताइए कि वहाँ पे जैसे आप YouTube पे वीडियोस बनाती हाँ। हैं और Facebook भी चलाती हैं हाँ। वहाँ चाइना में ये सब चलता है हम लोग तो सुने थे सब बैन है हाँ 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 पेन तो ही है लेकिन हम तो सभी लोग तो वीबीएंग के साथ चलते हैं ओ, ओ, <laughs> जरूर जाए। के बिना मैं सब कुछ नहीं, कर नहीं बात नहीं अच्छा लेकिन हाँ वीबीएंग के साथ सब कुछ चलते हैं वहाँ क्या अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं क्या वहाँ हमारे वहाँ भी है जैसे आ, वेबो जैसे यहाँ के ट्विटर हमारे वहाँ वेब है और आप यहाँ व्हाट्सएप यूज करते हैं हमारे वहाँ तो वी छ हाँ लेकिन मेरे विचार में वीचैट और अच्छा है क्योंकि क्योंकि व्हाट्सएप में प्राइवेसी नहीं है अगर कोई भी आपका नंबर है तो हमेशा आपके मैसेज भेज सकते हैं लेकिन वीचैट में सिर्फ तो आप आपके स्वीकार ये फ्रेंड स्वीकार एक्सेप्ट करने के बाद तो मैसेज भेज कर सकते हैं क्योंकि अभी मैं भारत में बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं लेकिन अगर उनके मेरा नाम बताओ तो प्राप्त तो हो गया तो हमेशा मैंने फोन कर, कर रहे हैं तो थोड़े परेशान हो है तो अच्छा तो सोनू कुं, हाँ हाँ। थे तो उसमें इंडियन कल्चर को लेकर बात की गई थी तो आप मतलब चाइना में इंडियन कल्चर को लेकर क्या लोग बात करते हैं कैसे देखते हैं उसको देखिए तो जैसे योगा योग चाइना में बहुत लोकप्रिय हैं सभी युवा लेकिन ये फर्क है भारत में तो गुरु ज़्यादातर गुरु तो पुरुष है ना लेकिन चाइना में तो महिला योग अभ्यास करते हैं बहुत ज़्यादा महिला लड़की तो योगा रोज रोज अभ्यास करते हैं और महंगा भी हो भी है और क्योंकि हमारे विचार में ये भारतीय योग तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है इसलिए तो योग बहुत ज़्यादा लोग बहुत पसंद है और भारतीय खाना चाइना में भी लोकप्रिय है और ये भारतीय रेस्टोरेंट चाइना में भी पहन वहाँ पे वेजिटेरियन बहुत खाना में ज्यादा है। बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन हाँ लेकिन भारतीय रेस्टोरेंट चाइना में तो शाकाहारी के लिए शायद नहीं <laughs> <laughs> लेकिन दोनों मिक्स है अच्छा। हाँ शाकाहारी भी खाने में तय है लेकिन मांसाहारी और ज्यादा है हाँ लेकिन लोगों को पसंद है अच्छा जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं इंडिया से चाइना तो बोलते हैं कि यार खाने की बहुत दिक्कत होती है जो खासकर वेजिटेरियन है और जो नॉन वेजिटेरियन है उनको भी दिक्कत होती क्योंकि यहां है क्योंकि यहाँ जो नॉन वेज खाते हैं ज़्यादातर चिकन मटन खाते हैं तो वहाँ का नॉन वेज क्या अलग है हाँ चाइना में भी नॉन वेज रेस्टोरेंट हैं लेकिन बहुत महंगा होता है लेकिन हाँ है मिल सकते हैं नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ जो नॉन वेज फूड होता है चिकन मटन इंडिया में जो ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे ज़्यादा क्या खाते हैं नॉन वेज नॉन वेज हम तो ज़्यादातर फॉर्क और बीफ और माटम भी खाते हैं आम आम अच्छी कम भी मछली श्रेम्प क्रा क्रैप आम तो सिर्फ ये खाते हैं सांपों भी, तो भी खाते हैं नहीं ऐसा तो नहीं है ये तो एक गलत बहमिया है शायद कुछ छोटी छोटी जगह में गांव में कुछ लोग शायद खाते हैं लेकिन आम नौ बल तो लोग नहीं खाते सांस सांप या 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 बंदर या, या हम तो कभी नहीं 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 हम नहीं खाते कुत्ता नहीं, प्लीज मेरे घर में भी शा, 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 चाइना में है। ऐसा बहुत लोग बात करते हैं ना हाँ। चुकी, चुकी देखिए चाइना के बारे में बहुत सारे लोग ज्यादा जानते नहीं है हाँ। थोड़ा आपका देश रहस्यमय है ना हाँ। है ना नहीं नहीं अगर तो मौका मिलते हैं तो आप खुद चाइना आगल आप खुद देख सकते हैं ऐसा तो नहीं है लेकिन मैं हमेशा ऐसा पौधे हैं तो लोगों को विश्वास नहीं करते हैं लेकिन अपन... आप आपने बो, आप बोल रही तो हम नहीं मानेंगे किसी बात कर रहे हैं हाँ हाँ है, <laughs> है शायद जाना में कुछ लोग शायद वे कुत्ता खाते हैं लेकिन तो बहुत कम लोग जैसे भारत में भी शायद कुछ लोग तो अलग अलग चीज खाते हैं लेकिन बहुत कम है हाँ लेकिन चाइना में भी ऐसी सिटी है इसका मतलब नहीं है कि सभी जीनी लोग सांप खाते है, आ, खाते हैं हैं कुत्ते ऐसा तो नहीं है अच्छा आइए हम थोड़ा आगे ले चलते हैं अपने है मेरा ये सवाल था लोग आपसे ऐसे हिंदी में टंग ट्विस्टर कच्चा पापड़ पक्का पापड़ जैसा कुछ आपको खर खर्क सिंह के खड़कने से खड़ती है खिड़कियाँ खिड़कियों के खड़ने से खटता है एक मैं आपको देता बोलिएगा आप। के के कपार का है फोड़े <laughs> <laughs> इनका नाम बताओ अभी कोई सवाल करना सचिन मेरा नाम सचिन सिंह है मैं अगर चीनी में जाना चाहूँ तो क्या होगा ये चीनी भाषा सीखना चाहते हैं जी तो जरूर मेरे YouTube चैनल फॉलो कीजिए मैं तो YouTube चैनल पर एक मिनट लर्न चाइनीज इन वन मिनट एक सीरियस सीरियस कार्यक्रम बना रही हूँ और कुछ सरल बातचीत सरल डायलॉग चीनी भाषा में सरल डायलॉग सिखा रही हूँ तो आप कुछ पुरजार चीनी भाषा सीख सकते हैं प्रशांत आपका कोई सवाल है आप आ, मुझे मालूम नहीं आप कब से इंडिया में हैं लेकिन इंडिया के कल्चर के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है और इंडिया और चाइना के कल्चर में क्या सिमिलरिटीज है क्या डिफरेंसेज है जो आपको पसंद हो जैसे तो भारतीय लोग और चाइना लोग हम तो अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं है ना ये तो सेम है और जैसे भारत लोग भी रोज़ रोज मसाला चाय पीते हैं हमारे जीनी लोग भी रोज़ रोज चाय पीते हैं लेकिन अलग अलग चाय आप तो मसाला चाय पीते हैं हमारे वहाँ तो कुछ बूढ़े लोग तो प्योर चाय पीते हैं यानी सिर्फ पानी और चाय लेकिन युवा लोग भी दूध के साथ चाय पीते हैं लेकिन हम तो ये ये दूध की चाय में कुछ पब डालते हैं पता नहीं शायद आप भाड़न नहीं मिलते बता रही हैं आप हाँ, हाँ हाँ लेकिन स्वाद अच्छा है स्वाद अच्छा है आप चाय कर सकते हैं अगर आप तो चाइना आए मैं आपको खिलाऊँगी हाँ तो चाय यहाँ की अच्छी है चाइना की आपके साथ अलग अलग स्वाद है दोनों अच्छे हैं क्योंकि ये स्वाद अलग अलग है हाँ अच्छा और आगे बढ़ते हैं हमारे जो ये सुरभी हैं ये हमारी न्यूज डेस्क है हाँ आप हिंदी बोलती बहुत अच्छा है वो हम देख ही रहे हैं आपको लिखनी भी आती है हिंदी आ, जरूर जरूर लिखने भी आती है, अच्छा, जैसे बोल रही है वैसे हाँ 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 अच्छा, आप हिंदी सीरियल्स देखती हैं नहीं क्योंकि चाइना में मुश्किल से मिलते हैं सौरभ जी आपका सवाल नमस्ते।, नमस्ते। आपकी शादी हो गई हाँ। वो, वो, वो भाई सवाल पूछता कि एक सीमा हैदर है वो हमारे यहाँ आ गई है तो क्या वैसी कोई संभावना है आप भी यहाँ पर हो गई तो सवाल पेता भी है पेता भी है लेकिन मेरा पेता सिर्फ ग्यारह महीना नहीं लेकिन मैं ग्यारह महीने हाँ।, हाँ वे आप, हाँ ग्यारह महीना सिखाएंगे हाँ जरूर, जरूर बेटे का क्या नाम है अंशु अंशु हाँ। अरे वाह ये तो बिल्कुल हाँ, 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 अच्छा आप आप नाम काफी तो <laughs> अच्छा, अच्छा नाम है बहुत अच्छा है कभी ऐसा कुछ हुआ जैसे की स्टैंडली हमारे आए थे तो क्या होता है कि वही वो नाइजीरियन है तो उनको देख के लोग एक्सपेक्ट नहीं करते वो हिंदी बोल देंगे या तो कई बार अनाप शनाप बातें उनको दूर से बोल लेते हैं लोग ये तो समझ नहीं पाएंगे तो आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि आपको किसी आदमी ने कुछ उल्टी सीधी बात बोली हो और आप हिंदी में समझ गई हो लग रहा हो कि नहीं समझ पा रही तो, तो फिर वो कुछ आप दिया तो चौंक गया हो गया तो आप फिर आपसे ज्यादा किराया मांग रहा हो कोई कि नहीं इसका पाँच सौ लगेगा ऐसा कभी कुछ समझ नहीं सकती फिर से मतलब कि जैसे आप आई इंडिया हाँ। और किसी को लगे कि ये तो इनको इंडिया के बारे में पता नहीं इनको हिंदी नहीं समझ में आती है लोग एज्यूम कर लें हाँ। कि इनको हिंदी नहीं आती होगी हाँ। और वो आपस में हिंदी में कुछ बात करें हाँ। और फिर वो आप या आपका मजाक उड़ाएं या फिर किसी चीज़ पर बात करें और आप समझ लें और आपने रिएक्ट कर दिया ऐसा कभी हाँ। हाँ तो जैसे होटल में भी वे जब उनके ए, 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 विदेश, विदेशी लड़की हूँ लेकिन जब हम तो बात मैं नमस्ते और ओ आप नमस्ते पहुँचे ना हाँ बाकी और मैं पढ़ सकती हूँ तो, 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 आप तो सब कुछ समझते हैं तो अच्छा नहीं। है, नहीं तो है भारत में कहाँ कहाँ घूम लिया आपने इस या पहले, पहले तो मैं राजस्थान गई थी एक महीने के लिए चेबुल जोधपुर पिकानेर और चौथ और जैसमेल हाँ और हिमाचल प्रदेश मनाली भी गई थी वहाँ भी मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं और आप यूपी और बिहार भी जाइएगी आपकी हिंदी और अच्छी हो जाएगी इलाहाबाद और कानपुर जाइए आपकी हिंदी और अच्छी बनारस गई थी बनारस गई थी बनारस ऐसा फील हुआ कि आप फिर से सवाल है ना आसपास कभी या कहीं भी भारत में ऐसा फील हुआ कि आपको ठगा गया है या आपसे ज्यादा पैसे ले लिए गए हैं मतलब इनका ये कि, कि किसी ने आपसे ज्यादा पैसे मांग लिए हो किसी चीज के लिए कि नहीं मैं लेंदेन कर सकती हूँ हाँ उनका कहने का मतलब वो मोल भाव कर लेती है हाँ, कि, हाँ, कि, कोई कि तीस रूपएंग तो हाँ, 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 मैं, 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 मैं कर सकती हूँ जैसे मैं सभी तो सर, सरोचनी नकर से न हाँ, 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 तो मैं जरूर, जरूर करती हूँ किसी ऑटो रिक्शा वाले ने कभी आपसे हाँ, ज्यादा पैसा लिया मैं इससे पहले मैं जेनयू में हिंदी पढ़ती थी और मैं वसंत विहार में रहती थी और जेनयू जे जागल रिक्शा वाला हमेशा तो सौ रुपये चाहिए ना नहीं नहीं, नहीं तीस रुपये <laughs> तो नहीं 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 तीस तो नहीं हो जाए तो तो पचास ठीक है <laughs> तो पचास या साठ रुपये तो जे पहुंचते हैं मतलब मुझे एक चीज पूछना था कि ये वहाँ पे इंडियन फिल्म को लेकर और कौन सा वहाँ पे एक्टर है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है बताया तो शाहरुख खान शाहरुख खान आमिर खान और शायद आमिर खान शाहरुख खान सरुख हाँ 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 हा, हा। शाहरुख खान चाइना में सबसे प्रसिद्ध है और आमिर खान ये दोनों चाइना में सबसे प्रसिद्ध है और बाकी हाँ है लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है लेकिन शाहरुख खान तो पूरी दुनिया में पॉपुलर है है ना कम है शायद एक्ट्रेस क्योंकि फिल्म तो बहुत कम है चाइना में रिलीज हुई भारतीय फिल्म कम है इसलिए शायद ज़्यादातर तो आमिर खानगे इसलिए रे मुबारक जी हमारे सबसे बुजुर्ग साथी हैं और आ, काफी वायोवृद्ध हैं पहले रास्ता बनाइए ये सिनेमा की गली है ये पूरे सिनेमा की टीम है यहाँ पे जो से नस्ते, नस्ते। अभी आप फिल्मों की बात कर रही थी आपने देखी शाहरुख की कोई फिल्म है माय नेम इज़ अभी आपको पता है करंट में कोई एक बहुत उसकी फिल्म आ रही है, uh, uh, जवा, 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 है ना जवा हाँ. उसका इंडिया में तो बहुत बज है बहुत क्रेज है तो आप देखने वाली हैं नहीं नहीं, मैं कल चाइना वापस चले अच्छा, हाँ जी अच्छा एक बात है कि हमारे यहाँ बॉक्स ऑफिस दो तरह से डिफाइन होता है हाँ। कि इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पिक्चर ने कितना कमाया हाँ। और फिर चाइना ने कितना कमाया जैसे हमारे यहाँ की जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है हिंदी इंडस्ट्री की वो है दंगल उसने 2000 करोड़ रुपए का ओवरऑल कलेक्शन किया शायद ये दंगल के सौ करोड़ चाइना का है हाँ हाँ हा।, हा, हा, हा। मतलब इतना तो हम लोग हाँ हाँ हा, से हा, नहीं कमाया जो इतना सिर्फ आपके देश से हा, कमाया हा, हा, हा। तो दंगल को लेके वहाँ क्या क्रेज था आप थी उस वक्त वहाँ जब वहाँ दंगल रिलीज हुई थी क्योंकि जैसे दंगल और सिख सुपरस्टार और एक एक किसकी फिल्म है जो एक एक अध्यापिका तो वे शायद थोड़ा बीमार हो गए लेकिन नाम रानी मुखर्जी की नहीं, 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 क्योंकि हाँ जैसे ये फिल्म तो बहुत कहानी बताते हैं जो अपने आप की कोशिश से अपने मेहनत से तो अपने जिंदगी अपने सोशल समाज को कुछ बदलाव प्राप्त हो चुके हैं इसलिए तो इस प्रकार इस प्रकार के कहानी तो चीनी लोगों के तिर से छू रहे हैं इसलिए तो ये पक्स ऑफ इसलिए

चाइनीज मूवीज मतलब वही समझते थे हाँ। अब आज 2023 में वह किस तरह की फिल्में बनती है और कुछ दो चार नाम आप अगर हमें सुझा सके कि ये मस्ट वॉच चाइनीज़ फिल्म है तो हमारा सबका फायदा हो जाएगा दर्शन। वास्तव में चाइना में भी बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म जलती हैं लेकिन आ, मुझे ऐसा लगता है मुझे पता नहीं यह सही है या नहीं लेकिन सिर्फ मेरे दृष्टि से शायद क्योंकि भारत में यह बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है बहुत अच्छा हो गया है इसलिए तो भारतीय लोग तो दूसरी कंट्री चीन से कुछ फिल्म इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए तो शायद अभी भारतीय सिनेमा ने बहुत कम चीनी फिल्म देख सकते हैं हाँ इसी वजह से क्योंकि भारत में ये इंडस्ट्री बहुत सुधार हो गए है। तो न... है? आप, आप हैं इसलिए लेकिन क्या ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स ये सब आ गए हैं आप मतलब आपके हैं तो अपने खुद के होंगे जैसे नेटफ्लिक्स हुआ और अमेजन प्राइम हुआ <laughs> कैसे <laughs> दाँगा। दाँगा। स्पेसिफिक क्या, ये? आ, ये क्या? जैसे आप क्या तो ये सब बैन होगा ना बाहरी दुनिया जैसे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स हम तो सभी तो वी के साथ चलते हैं लेकिन चाइना में हमारे ओन इस प्रकार के प्लेटफॉर्म है जैसे यू यू यो खूख और सोहू और आ हमारे खुद के इस प्रकार के काफी अच्छे हैं मतलब हाँ हा। सुन के नाम बहुत अच्छा लगे हाँ 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 नहीं लेकिन मतलब आप आप लोगों की लैंग्वेज बहुत प्यारी है मतलब छोटे छोटे शब्द होते हैं <laughs> ज्यादातर जो है हाँ हा। आपके वर्णमाला मुझे उतनी जानकारी नहीं है लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है कितनी जानकारी है तुम मतलब कुछ भी नहीं है वो देखें कि इस तरीके से बनता है लेकिन हाँ आ, शायद लेकिन शायद शा, क्योंकि चीन और भारत दोनों दो तो पुराने सभ्यता वाला देश है लेकिन मेरे विचार में चीनी भाषा और हिंदी भाषा दोनों मुश्किल है, अच्छा, है। भारत से, भारत से आपको तीन जो भारत के आपको सबसे ज्यादा पसंद है ये बता दीजिए बॉलीवुड म्यूजिक क्लासिकल बॉलीवुड 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 हिट थर्ड खाने भी नहीं खान, खान, क्या, क्या आज, आज कर क्या खाने में पसंद है पाटन चिकन टिक्का मसाला बाटर चिकन और तंदूरी चिकन चिकन टिक्का मसाला क्या पसंद है स्ट्रीट फूड पानी पूरी और जलेबी ये तो यहाँ पे ज्यादातर लोग पसंद है पानी पूरी हाँ, और समोसा जरूर समोसा और अभी दिल्ली में लोग ज़्यादातर नेपाल से आया है हाँ, तो चाइना हाँ, तो से है, <laughs> है।, है मोमोज लेकिन चाइना में हम चाउज कहते, है, यहां तो कहते हैं यहाँ तो मोमोज कहते हैं यही चीजें जो चाइनीज फूड होता है जैसे हम यहाँ पे खाते हैं चाहे वो नूडल्स हो या चिली पोटैटो आपने यहाँ पे ट्राई किया जो चाइनीज फूड यहाँ पे सर्व किया जाता है हाँ। क्या मोमोज वहाँ भी ऐसे ही होते हैं या नूडल्स अलग अलग है अलग अलग है तो हमें जो चाइनीज फूड के नाम पे खिलाया जा रहा है हाँ। वो वैसा है या नहीं है आ, नहीं। हाँ जैसे चाउ छाउमिया है ना चीनी भाषा में हम छाओ मिया कहते सिमिलर है तो हाँ। लेकिन चाउमीन हो गया यहाँ पे हाँ हाँ तो शायद आवाज सेम है शायद टेस्ट बताइए टेस्ट साल, थोड़ा सा अलग है लेकिन हाँ यहाँ का आ, जो चाइनीज होता है अलग, <laughs> अलग हाँ, हाँ, ये, ये को, आमतौर पर चाइना में हम मोमो सिर्फ तो फोर्क और कुछ सब्जी एक साथ मिक्स करके तार सकते हैं लेकिन यहाँ शायद कुछ वेज राइस नूडल्स इसके अंदर में भी तारते हैं चिकन भी तारते हैं लेकिन चाइना में चिकन फ्लेवर वाला मोमोस नहीं मिलते <laughs> एक छोटा सवाल और हाँ। है मेरा जैसे बचपन में हमारे यहाँ दिल्ली में मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा है कि चाइना बाजार हुआ करते थे उसमें पैंसठ रुपये में हर माल मिलता था मतलब आप पैंसठ रुपये में जाके कुछ भी खरीद लीजिए <laughs> आपको जो भी लेना उसके बाद चाइना बाज़ार लिखा होता था बड़ा बड़ा सस्ते मोबाइल मुझे याद है मेरा हाँ। पहला मोबाइल फ़ोन एक चाइनीज़ फ़ोन था नहीं नहीं वो आ, बिल्कुल लोकल होता था उसपे पता नहीं क्या नाम लिखा होता था और उसका स्पीकर बहुत तेज होता था बहुत तेज गाने बजते थे आ, <laughs> आ, तो मतलब वो क्या इतने सस्ते प्रोवाइड यहाँ पे हो जाते हैं हम लोगों को तो ये सस्ता कैसे बना लेते हैं आप लोग सारी चीजें पता नहीं क्योंकि शायद क्योंकि सब लोग जाने हैं मेड इन चाइना क्योंकि चाइना में ये कारखाने बहुत ज्यादा है और जिन्हें लोग बहुत इफिशेंट है क्योंकि जैसे आप यहाँ तो ठीक ठाम है चाइना में तो ठीक ठाम नहीं मिलते हैं हम तो हमेशा हार्ड वर्क हमेशा हार्ड वर्क है इसलिए तो हम इफ़िशियंट हैं इसलिए तो ये शायद और कर्मचारी के लिए यह फीस देने शायद सस्ता होता है इसलिए तो शायद ये काम भी सस्ता हो सकता है मतलब वहाँ का लेबर कॉस्ट कम है हाँ, हाँ 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 लेकिन अभी तो भारत में भी मेक इन इंडिया ये तो प्रोसेस अभी पढ़ा रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा विदेशी कंपनी भी भारत में कारखाने स्थापित कर रहे हैं इसलिए शायद भारत आने वाले समय में भी इस दिशा से विकास हो सकते हैं नहीं जैसे चीन में हमने सुना है कि आप अलग अलग राज्यों में या फिर जो भी प्रांत हैं आप लोग हा, प्रांत, हा, प्रांत हा, बोलते हैं तो उनमें हर जगह की स्पेशलिटी अलग है कहीं पे खिलौने ज़्यादा बनते हैं कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक के सामान ज़्यादा बनते हैं ऐसे ऐसे क्या कैटेगराइज़ कर रखा है हाँ तो जैसे दक्षिण जी में शंजन शहर में तो बहुत ज़्यादा ई वो आजकल बहुत पॉपुलर है तो ज़्यादातर और ये ई डिवाइसिस तो शंजन में बहुत ज़्यादा कारखाने हैं और जैसे कपड़े बनाने में तो कुंजों शहर में बहुत ज़्यादा है और ए लाइट लाए तो में और ये छोटे छोटे एक्सेसरीज़ तो ईष ई चाम प्रांत चम प्रांत में तो बहुत ज़्यादा इस प्रकार के छोटे छोटे एक्सेसरीज मिलते हैं और जो खिलौने बनते हैं जैसे अब तो हमने हमने तो ये तक सुना है कि जो हमारे यहाँ गणपति की मूर्तियाँ होती हैं या फिर देवी देवताओं की और मूर्तियाँ होती हैं तो वो चाइना से आती हैं हाँ चाइना में भी बहुत ज़्यादा मूर्ति जैसे चाइना में भी विभिन्न प्रकार के मंदिर भी मिलते हैं मस्जिद भी मिलते हैं और दक्षिण जी में फुजी प्रांत में भी एक पुराना हिंदू धर्म हिंदू मंदिर भी है हाँ वहाँ तो आप गणेश और कृष्णा के की मूर्ति भी देख सकते हैं हाँ ये तो इसका मतलब यही है कि हजारों साल पहले हमारे दोनों देशों के बीच ये आताम पड़ता तो मौजूद थे हाँ इसलिए तो वहाँ और मतलब जो बाकी सामान होते हैं गुड्स के या फिर मेडिकल के जो होते हैं वो भी बहुत सारा चाइना में बन रहा है हाँ। ऐसा आप आप चाइना में कहाँ से हैं पर्टिकुलर Uh, क्या चीज़ मतलब आप बीजिंग से हैं चीन से हाँ हम अभी बीजिंग में रहते हैं लेकिन मेरा ग्रह नगर तो बीजिंग नहीं है दक्षिण चीन से हूँ लेकिन अभी मैं बीजिंग में रहती हूँ और वहाँ पे घूमने उमने लायक जगह कौन सी हैं जहाँ पे घूमने जाए अगर बीजिंग जाना तो ज़रूर लंबी दीवार द ग्रेट डिवाइट ऑफ चाइना एंड सीरी और सामा पैलेस और हाँ विभिन्न प्रकार की जगह आप देख सकते हैं और, है? और बीजिंग के अलावा चाइना में Uh, अगर आप तो माउंटेन सीनरी देखना चाहते हैं तो पश्चिम चाइना चलो जाना है सुषाय ब्राउन तिब्बत जा सकते हैं कैलाश कैलाश पर्वत तो वहाँ स्थित है और अगर तो कुछ मॉडर्न नाइस चाइना देखना चाहते हैं तो शंघाई, हाय चोंगचिंग बीजिंग ऐसी जगह में घूम सकते हैं और अगर आप तो कुछ परम्परागत uh, mm, uh, uh, जीनी uh, भवन देखना चाहते हैं तो सियान शानसी प्रांत जा सकते हैं वहां दो तो पुराने चीन का केंद्र है शायद हम अभी हम आ, एक एक दो सवाल बस और हा, हा। निखिल पूछना चाहते हैं कुछ हेलो मैम मुझे जानना जैसे आपने बताया कि एक बहुत पुराना कल्चरल एक्सचेंज रहा है बिटवीन चाइना एंड इंडिया लेकिन अभी जैसे थोड़ा सा कम है ज़्यादातर हमको सुपरस्टिशन या, या क्या कह लीजिए रूढ़ियाँ हैं एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं उसको आ, प्री नोशंस uh, है मतलब इंडियंस को चाइनीज़ के बारे में चाइनीज़ को इंडियंस के बारे में तो मैं जानना चाहता हूँ कि चाइना uh, में जो नॉर्मल लोग हैं आम लोग हैं सिटीजन्स वो इंडिया को लेके और इंडियंस को लेके क्या सोचते हैं उनकी ओपिनियन क्या है मेरे ख्याल से आम चीनी लोग भारत के बारे में शायद कुछ जानकारी तो गलत है जैसे उनके वीजान में सभी भारतीय भारत में तो सिर्फ तो ये फीपी उड़ने वाले ये रोटी मिलते हैं लेकिन तो चा भारत में, में तो नहीं मिलते सिर्फ तो चाइना में रहने वाले भारतीय लोग तो ये उड़ते वाले रोटी बना सकते हैं भारत में तो नहीं मिलते हैं रुमाली रोटी जो <laughs> हाँ लेकिन भारत में नहीं मिलते हैं है ना और जैसे चीनी लोगों के वीजान में भारतीय लोग तो चीनी लोगों से नफरत करते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है और जैसे चाइना में भी शायद आपके विचार में तो चीनी लोग भारतीय लोग अनफ्रेंडली फ्रेंडली हैं लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप तो चाइना जा सकते हैं तो सभी चीनी लोग आपको फ्रेंडली ज़रूर और आपका सामान ज़रूर देते हैं थैंक यू बानो आपको भी कोई सवाल है एक सवाल था मेरा जैसे आपने कहा कि एफिशिएंट है चाइना में क्योंकि वहाँ का वर्क कल्चर जो है टी ब्रेक नहीं मिलता है वहाँ पे काम करते हैं तो कैसा वर्क कल्चर है कितने घंटे काम करते हैं आप दिन में आमतौर तो पर आठ खंडा एक टिंग आठ घंटा लेकिन कुछ कारखाने में शायद थोड़ा विस्तार होना चाहिए क्योंकि कारखाने में अगर आप तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं तो शायद ये वर्किंग टाइम थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा और जैसे आली और कुछ बड़े बड़े निजी कम बड़ी बड़ी निजी कंपनी में शायद होंगे वर्किंग टाइम और लंबा है लेकिन अच्छी है हाँ मंदिर आप बता रही थी मंदिर है तो क्या लोग जाते हैं इतनी जाते हैं लेकिन देखिए सिचुएशन यही है चाइना में ज्यादातर लोग तो कोई भी थर्म नहीं मानते हैं लेकिन हम मंदिर भी चाहते हैं सिर्फ तो मेक मेक अ विश ये तो आ, थर्म से रिलेटेड नहीं है सिर्फ तो एक अ विश ऐसी तो शुभ कुछ आ, सपना पूरा करने के लिए हाँ 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 ऐसा है ओके okay. आप अच्छा हाँ क्या आ, अभी नमस्ते मेरा नाम शिवेंद्र है अभी निखिल जी आपसे पूछ रहे थे कि नॉर्मल लोग चीन के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं भारत के आम नाग नागरिकों के लिए तो मेरा थोड़ा सा इसी में मैं जोड़ के एक चीज़ पूछना चाहता हूं जैसे पावर सेंटर्स की बात होती है तो एक तरफ अमेरिका एक पावर है है ना वो फिनेंशली इकोनॉमिकली भी और वैसे भी दूसरा पावर सेंटर डेवलप हो रहा है और एक दुनिया मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर हम डॉलर के कंपैरिजन में बात करते हैं तो फिर ये होगा कि भाई कुछ देशों का मानना है कि नहीं आने वाले टाइम में चीनी करेंसी में डील होगी हथियार और ऑयल और सारी चीज़ों को लेके चीन एक बड़ी ताकत बनेगा तो आप भारत को इस पूरी इस पूरी ट्रें, ट्रेंगुलर इसमें आप कहाँ देखती हैं मतलब आपके लिए या चीन के काम नागरिक के लिए जो थोड़ा सा आप बाहर दूसरे देशों में जाता है उनके लोगों से मिलता है उसके लिए अमेरिका एक बड़ी चुनौती है या अमेरिका उसके आगे मानते हैं आप या इंडिया को देखते हैं हाँ क्योंकि मैं सरकार से नहीं हूँ मुझे पता नहीं हमारे देश के विकास के नॉर्मल लेकिन जैसे मेरी दृष्टि से तो भारत जरूर हमारे पड़ोसी देश है हम जरूर हम तो दोनों एशिया देश हैं तो हम अगर हम हाथ मिला एक साथ विकास करते तो जरूर दोनों के लिए लाभदायक है क्योंकि अमेरिका जैसे देश भी तो नए नए देश हैं चीन और भारत दोनों पुराने सभ्यता वाला देश है और हमारे संस्कृति के बीच बहुत ज़्यादा समानता मिलते जुड़ते हैं और अमेरिका ऐसी देश हमेशा तो हमारे देशों के बीच कुछ संबंध को कुछ तोड़ते हैं और पतनाम करते हैं लेकिन मुझे ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जैसे भारत आप ही बाकी देशों के साथ संबंध हमेशा तो अच्छी तरह से विकास कर रहे हैं चाइना में भी हम ऐसा तो नहीं हम क्योंकि भारत मेरे लिए तो दूसरा ग्रहनगढ़ की जैसा है मुझे तो आशा है कि हमारे दोनों देशों के बीच संबंध ज़रूर सुधार हो होनी चाहिए तो हम दोनों के दोनों के आम लोगों के बीच आता पड़ताम भी बढ़ा सकते हैं इतना अच्छा आप बोलती हैं इतनी अच्छी आपकी हिंदी है और उतना ही अच्छा लगा आप जब हमारे न्यूज रूम में कुछ एक सवाल इनका रह गया एक सवाल और ले, ले। okay. आपसे ये, पूछना चाह रही थी जितनी अच्छी हिंदी आप बोल लेती हैं क्या आपको लिखना भी आता है हाँ हाँ हाँ। बताया तो उन्होंने हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा बताया लिख सकती तो इतना मतलब हमें तो वाकई में बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप वाला नाम बड़ा टफ है एक बार आप फिर से बता दीजिए तो मैं यह कोशिश करूँ चू च चू चिन चिन सही है सही है हीरे जैसे चमक वाली लड़की हमारे न्यूज रूम में आई और हमें बहुत अच्छा लगा पूरी बातचीत हुई उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छा लगा और एक बात ये कि आपने बोला कि मणिपुर से तो ऐसा नहीं आप चाइना से मणिपुर के लोग हो सकता है कि आपकी तरह दिखते हों लेकिन मणिपुर के लोग हों चाहे नागालैंड के लोग हों चाहे अरुणाचल प्रदेश के हों चाहे लेह लद्दाख के हों सब हो इंडियन से हैं हाँ हाँ हा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो एक ही परिवार है सबके साथ सबके विकास शुक्रिया आपका आने के लिए न्यूज रूम में आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए मेरा नाम है अभिनव पांडे देखते रहिए दी लेलन टॉप